हर हर महादेव। ऐसा है, एक पंडित जी है मध्य प्रदेश विदिशा से, उन्होंने प्रश्न किया है कि कोई मध्य प्रदेश से एक पंडित जी हैं, अच्छे सुप्रसिद्ध कथावाचक, इनका नाम क्या है? प्रदीप मिश्रा जी। तो वे अपने कथा में कहते हैं कि शिवलिंग पर जो है जो महिलाएं या पुरुष कोई शहद लगा करके बिल्वपत्र चढ़ाते हैं और फिर उसको खाने का बड़ा पुण्य फल बतलाते हैं, चढ़ा करके फिर चढ़ाने के बाद उठा के फिर उनको खाइए, ऐसा उन पंडित जी का कहना है कि वे पंडित जी ऐसा बोलते हैं। क्या ये शास्त्र विधि से युक्त है बात? क्या हम शिव निर्माल्य भक्षण कर सकते हैं? क्योंकि हमने तो सुना है कि शिव निर्माल्य भक्षण करने योग्य नहीं होता है, तो इसका क्या रहस्य है? देखिए, शिव जी के निर्माल्य से संबंधित बहुत चर्चा है। यद्यपि इस पर हम एक वीडियो बना चुके हैं, परंतु ये बात कुछ अलग ढंग से है, फिर भी देखिए। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि अग्राह्यम शिव निर्माल्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम, है ना, और सर्वम शालग्राम शिलास्पर्शात सर्वम याति पवित्रता। ये वचन कि शिवजी के ऊपर चढ़ा हुआ, शिवजी के ऊपर चढ़ा हुआ पत्र पुष्प फल और जल, ये अग्राह्यम शिवजी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ। बाहर से अगर कोई चढ़ा दिया गया है तो वो नैवेद्य लोग ले लेते हैं, लेकिन वो अलग बात है, प्रसाद ले लेना, शंकर जी का भोग ले लेना, क्योंकि वो उसका ग्रहण नहीं है। इसमें आचार्यों की टीका है कि इसमें जितने वस्तुओं का ग्रहण किया गया है उतने का परिवर्जन करना। अगर शिवजी पर कोई पैसे चढ़ा दिए हैं, किसी ने रत्नों की माला चढ़ा दी है या कोई स्वर्ण आभूषण या चांदी के आभूषण वस्त्र आदि चढ़ा दिए हैं, तो उनको पंडित लोग ले सकते हैं, क्योंकि पत्रम पुष्पम फलम जलम इनका ही निषेध है, और वो भी शिवलिंग पर स्पर्श कर दिए हों, शिवजी पर चढ़ा दिए गए हों तो। और यदि इनको लेना है तो शालग्राम शिला स्पर्शात सर्वमियादि पवित्रता, शालग्राम से अगर स्पर्श हो जाए तो उनको ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है। एक वचन ये होगा। अब देखिए कि किसी भी चीज का यदि आधा ज्ञान है तो वो घातक होता है, बहुत ज़्यादा घातक होता है, या तो बिल्कुल नहीं हो या फिर वो पूरा ज्ञान हो। इस बात को धैर्य धारण से सुनिए पूरी बात को, तब निष्कर्ष होगा। यदि पूरी आधी बात सुन ली तो फिर वो जो न सुनना ही ठीक है, फिर तो अभी काट दो इसको, मत सुनो। अगर सुनना है तो पूरी बात सुनो, तभी निष्कर्ष आएगा। देखिए, एक वचन ये भी है शास्त्रों में कि शिवजी का निर्माल्य जो ले लेता है और ले करके उसको सिर पर रखता है या भक्षण कर लेता है तो उसका बड़ा पुण्य होता है। तो इन दोनों में आपस में विरोध है वचनों का। देखिए वो वचन क्या है, शायद पंडित जी ने यही श्लोक पढ़ लिया और इसी के चक्कर में वो व्याख्या कर रहे हैं कि जो शिवजी का निर्माल भक्षण करना चाहिए। आगतम शिव नैवेद्यम गृहीत्वा शीर्षा मुदा भक्षणीयम प्रयत्न शिवस्मरण पूर्वक, और वो भी इसमें शिव नैवेद्य की बात कही गई है कि शिवजी का यदि प्रसाद भोग है जो निवेदन किया गया था शिवजी को, वो जो प्रसाद रूप में बचा है वो आगतम शिव नैवेद्यम गृहीत्वा शीर्षा मुदा, उसको लेकर के सिर से बंधन करके और भक्षणीयम प्रयत्न ना, बड़े यत्न पूर्वक उसको खाना चाहिए शिवजी के प्रसाद को, शिव स्मरण पूर्वकम, भगवान शिव का स्मरण करते हुए तुरंत खा लेना चाहिए, विलम्ब नहीं करना चाहिए। ये भी आगे लिखा है इसमें, जो लोग शिवजी के प्रसाद में निषेध करते हैं उनका निषेध नहीं है, वो शिवजी के अपराधी हैं। शिव प्रसाद भोग प्रसाद जो बटता है लोग, तो वो तो ले लेना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि शिवजी का निर्माल्य की बड़ी इसकी महिमा भी है। ऐसे ही पत्र पुष्प इत्यादि के जो ग्रहण करने का भी है, किसका? तो यहाँ लिंगों के भेद किए गए कि ऐसे ऐसे शिवलिंग का न करे और ऐसे ऐसे का कर ले। सामान्य बात ये है कि अगर किसी रत्न के बने हुए हैं
किसी मणि के यदि शिवलिंग है तो उनमें दोष नहीं होता है, है ना। जहां जहां चंड देवता का अधिकार है और चंड देव शिवजी पर जो भी चढ़ा हुआ पत्र पुष्प फल जल आदि है उसको उनके प्रधान सेवक चंड पर समर्पित कर देना चाहिए और फिर वहां से उठा करके किसी पवित्र जलाशय में डाल देना चाहिए। और शिवजी पर उठा करके कोई खा लेता है, ले लेता है, ग्रहण कर लेता है पत्र पुष्प फल जल, तो वो महान अपराध का भाजन बनता है, क्योंकि वो चंड का अधिकार है, चंड को लेना। तो अब समझना ये है कि कौन कौन से लिंग के निर्माल्य पर चंड का अधिकार है और कौन से लिंग पर नहीं है, क्योंकि जो कुछ वचन ऐसे हैं कि शिवजी का निर्माल्य लेने में कोई दोष नहीं है, महान फल बतला रहे हैं, तो उनका तात्पर्य ये हो जाएगा कि जिन लिंगों पर चंड का अधिकार नहीं है उनका नैवेद्य जल फल आप ले सकते हैं, और जिन पर चंड का अधिकार है उनका लेना अपराध हो जाएगा। तो जो शिव निर्माल्य भक्षण इत्यादि करने का, ग्रहण करने का निषेध कर रहे हैं तो वो चंडाधिकार वाले शिवलिंगों का करते हैं। तो अब देखिए किन किन लिंगों पर चंड का अधिकार है, पहले ये बात जो हमने बोली है इसके सम्मति वाक्य देखिए कि चंडाधिकारो यत्रास्ति तत्रो तदो तद भोक्तव्यम न मानवी, चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यम तच्च भक्तितः। तो चंडाधिकारो यत्र जहां चंड का अधिकार है वहां तद भोक्तव्यम न मानवी, तद मानवी न भोक्तव्यम, वो मनुष्यों के द्वारा नहीं खाना चाहिए। और चंडाधिकारो नोयत यत्र न तत्र भोक्तव्यम भक्तितः, और जहाँ चंड का अधिकार नहीं है वहाँ खा सकते हैं, वहाँ कोई दोष नहीं है। तो चंडाधिकार कहाँ कहाँ होता है पहले ये देखिए, है ना, कि ये वर्तमान में जितने भी जो शिवलिंगों को बनाया गया है, शिव मंदिरों को बनाया गया है किसी भी लोगों के द्वारा अभी या कुछ वर्ष पहले, या पार्थिव लिंग होते हैं वे सब जो है चंड के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से नहीं आते पहले इस पे देख लेते हैं, जो समझ जाना कि बचे हुए जो सब चंडाधिकार में हैं कि बाण लिंगे च लहुहे च सिद्धे लिंगे स्वयं भूवि प्रतिमासु च सर्वासु न चंडोधिकृतो भवे। बाण लिंगे यानी नर्मद लिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग जो बाण लिंग कहे जाते हैं वे हैं यदि तो उन पर भी चंड का अधिकार नहीं होता। लहू है, लहू माने होता है धातु, वो लोह अलग है, ये लहू है, लहू माने धातु, किसी भी सोने चांदी इत्यादि ताम्र इत्यादि का जो शिवलिंग है वो। सिद्धे माने सिद्धों के द्वारा स्थापित, सिद्धे लिंगे स्वयंभू भी जो स्वयंभू लिंग है अपने आप प्रकट है ज्योतिर्लिंग इत्यादि उनका निर्माल। प्रतिमासु च सर्वासु और समस्त भगवान के जो साकार मूर्तियां हैं प्रतिमाएं उनके निर्माल्य भक्षण में कोई दोष नहीं है, क्योंकि न चंडाधिकृतो भवे, तत्र चंड अधिकृता न भवे, वहाँ चंड अधिकृत नहीं है, चंड का अधिकार नहीं है। और भी यूँ समझ लीजिएगा कि ये किसी भी रत्न की मूर्ति है या मणि इत्यादि की मूर्तियाँ लिंग हैं तो उनका भी निर्माल्य ग्रहण किया जा सकता है। और सामान्य रूप से जो भी मंदिर बने हुए हैं किसी भी वर्तमान के राजा महाराजाओं के द्वारा या वर्तमान के किसी भी सेठ साहूकार या किसी भी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए जो भी मंदिर हैं अभी हों या कुछ वर्ष पहले के हों, तो उन मंदिरों में स्थित पाषाणमय जो शिवलिंग हैं उनका निर्माल्य भक्षण नहीं करना चाहिए, पार्थिव लिंग का भी निर्माल्य भक्षण नहीं करना चाहिए। यदि इनका यदि करना है, आपको बतला दिया कि भाई महाराज जी बतलाते हैं हमारी श्रद्धा है हम तो बिल्व पत्र खाएंगे ही, तब क्या है कि शालग्राम शिला स्पर्शा सर्वम याति पवित्रता। तो उन शिव निर्माल्यों का उठा करके शालग्राम से स्पर्श करा दीजिएगा फिर आप भक्षण कर सकते हैं, ले सकते हैं, अन्यथा वो शिवजी पर चढ़े हुए पत्र पुष्प फल और जल जो कोई ग्रहण करता है तो उसका अपराध उसको लगेगा। तो किसी भी बात को पंडितों को महापुरुषों को ऐसे ही नहीं बोल देनी है,
समझे। वक्ताओं को बड़े सावधानी की आवश्यकता है, ऐसे ही कोई बात कह दी लोग उनका अनुसरण करते हैं, क्योंकि आजकल हमारे गुरु और हमारे महाराज जी हमारे अमुक वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये बात प्रामाणिक है या नहीं है, तर्क युक्ति प्रमाण से सम्मत है या वैसे ही उड़नछू मनगढ़ंत बात है या किसी वेद से या कहीं की शास्त्र की आधी बात है। आधा ज्ञान तो घातक होता है ना, तो ऐसा तो नहीं है। इस पर भी आप लोग भी विचार करें और अनुशीलन करें, पढ़ें समझें देखें। तो कहने का तात्पर्य शास्त्रों में दोनों तरीके के वचन हैं, उनकी संगति ऐसे है कि किन लिंगों का ग्रहण करना है और किन का नहीं ग्रहण करना है। सामान्य रूप से जो देखे जाते हैं कि ज्योतिर्लिंगों में तो हर व्यक्ति का प्रवेश और हर व्यक्ति अधिकारी नहीं, हर जगह मिलते नहीं, वो तो गिने चुने लिंग हैं, तो वहाँ से कहाँ। सामान्य रूप से हर गाँव में मोहल्ले में शिव जी के दो चार मंदिर मिल जाते हैं, जहाँ आज की ऐसी दुर्व्यवस्था व्यवस्था है लोगों के कारण कि वहाँ कुत्तों का प्रवेश है और शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल पत्र पुष्प पैरों में पड़ता है और वो वहाँ से बह करके नालियों में जा रहा है, चाहे वृंदावन हो या काशी हो या कहीं भी हो, अवंतिका हो, कहीं भी देख लीजिएगा। शिव जी के मंदिर हर गली में तुम्हें दो चार बने मिल जाएंगे, हर मोहल्ले में हर एक गाँव में पाँच पाँच सात सात शिवलिंग है, पर उनका जल वो कुत्ते चाट रहे हैं या वो बह करके नाली में जा रहा है। ये महान अपराध है और इसका दंड एक को नहीं सभी को भोगना पड़ेगा, और ये निश्चित रखिएगा कि कहीं गए और जा करके वो बिलपत्र चढ़ा दिया और वहाँ शंकर जी पर रखे आए, उठा करके वो बिलपत्र चाट लिया खा लिया, उससे पहले कुत्ता चाट गया था उसी लिंग को, तो ऐसे में ना देवता रहते हैं और ना ही वहाँ वहाँ तो अच्छा। अगर कोई भूत भी होगा जो अच्छा होगा, सब जो है भूतों का सरदार, वो भी नहीं रुकेगा वहाँ, तो ऐसे लोग रुकेंगे जो बेमतलब के हैं आवारा तत्व। तो इसलिए कहने का तात्पर्य जो भ्रष्ट मर्यादित मंदिर हैं उनमें देवता नहीं होते, तो उन पर तो चाहे कोई चढ़ाओ खाओ पियो कोई मतलब नहीं, वो तो स्त्रियों के लिए एक कीड़ा स्थली है, नहीं तो शिवलिंग से माता बहनों को स्पर्श ही नहीं करना चाहिए। इस पर भी हमने जो है बोल करके डाला है, आप देख सकते हैं उसको सुन सकते हैं। किसी अनुपनीत जो उपनीत नहीं है, जो उपनयन नहीं पहनता, चाहे भले ही ब्राह्मण ही क्यों ना हो या जिन जातियों में इसका अधिकार ही नहीं है, उनको शिवलिंग का शालग्राम का स्पर्श नहीं करना चाहिए। पूजन कर सकते हैं, ध्यान रखें शब्दों पर ध्यान रखना, पूजन कर सकते हैं दूर से सब लोग, लेकिन स्पर्श नहीं कर सकते शालग्राम का और शिवलिंग का अनुपनीत। और ये जो ये तो खैर इस पर विस्तार से चर्चा कहीं होगी और हुई भी है, ये विषय अलग है, पर शिवजी पर चढ़ा हुआ सामान्य रूप से जो मंदिर बने हैं गली मोहल्ले में, उनके मंदिरों पर चढ़ाया है उनका नैवेद्य निर्माल्य पत्र पुष्प फल बिल्व पत्र इत्यादि का भक्षण नहीं करना चाहिए। हर हर महादेव।